गर्मी के इन दिनों में जलते जंगल ग्लोबल वार्मिंग का एहसास तो करवा ही रहे हैं, साथ में ही इसका पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। एक ओर इन जलते जंगलों से जहां वन्य प्राणी प्रभावित हैं, वहीं तपते पहाड़ लोगों को अपने घरों से छाता व पानी की बोतल लेकर बाहर निकलने को मजबूर कर रहे हैं। प्रदेश के जंगल धू धू कर जलने लगे हैं, जिनसे लाखों की वन संपदा प्रभावित हो रही है। राजधानी शिमला के क्लीनी वार्ड के जंझीड़ी क्षेत्र से लगते जंगल में भी बीती रात आग लग गई। अग्निशमन विभाग और वन्य विभाग आग बुझाने में लगे हुए हैं। वहीं संदर्भ में क्लीनी वार्ड के पूर्व पार्षद पूर्णचंद का कहना है कि उनके द्वारा वन विभाग को कई बार वाटर टैंक बनाने के संदर्भ में सुझाव दिए गए हैं, जिससे जंगल में लगती आग पर काबू पाया जा सके। उन्होंने कहा कि साल में एक बार फायर सीजन में आग लगती है, ऐसे में विभाग को संज्ञान लेने की जरूरत है ताकि जंगलों में लगी आग पर समय रहते ही काबू पाया जा सके। बहुत बारी वन निगम के ऑफिस जाके, फॉरेस्ट DFO के पास जाके समय समय पे मैंने सुझाव दिया है। आज भी मैंने शिकायत की है, झंझीड़ी के लगते क्षेत्र में आग लगी है और अब उन्होंने कार्रवाई की है। फायर ब्रिगेड की टीम भी आई है, आग बुझाने की कोशिश की है, कुछ हद तक बुझ भी गई है। आप देखिए आज जो है ना, आज का तापमान कितना चला गया है और ये जो सारा चारों तरफ ये जो धुआं आप देख रहे हैं, जंगल में आग लगी है, कितने जीव जंतु कितने झुलस गए। एक तरफ तो हम मानवता को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जगह जगह हम ऐसे प्रयास करते हैं, मगर यहाँ मानवता एक जंगल में अगर आग लग जाती है तो 100 गांवों के बराबर जो जीव आत्माएं जो है ना वहाँ ख़त्म हो जाती है। ये बहुत बड़ा पाप है। जितने भी हमारे फॉरेस्ट के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी अपने ऑफिसों में बैठे हैं, हर साल तारा देवी का जंगल जलता है, टूटीकंडी का जंगल जलता है, नदी नाला तो यहाँ, नदी तो यहाँ पर है नहीं, नाले जरूर हैं। टूटीकंडी का जो नाला है वो हमेशा बहता रहता है। आप वहाँ एक वाटर स्टोरेज टैंक बनाएं ताकि वो वाटर वहाँ पर स्टोरेज रह सके, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, ये जो आग लगी है इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो वाटर स्टोरेज टैंक काम आ सकता है। साल में एक बार ही आग लगती है, मगर आग लगती है तो इसमें कितने हमारे जो है ना वन संपदा का नुकसान हो जाता है। आप लोग सब बुद्धिजीवी अफसर जो जितने भी हैं, सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि इस पे थोड़ा संज्ञान लें और आज से ही लें। ये ना सोचें कि अब आग बुझ गई है, दो दिन के बाद उसके बाद अगले साल ही आग लगेगी।